हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहला एक कंसेप्ट आएगा जो कि आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, वो होगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये एक स्टेज है जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो मॉडर्न जो टूल्स वगैरह होते हैं उनके बिना ही हुआ करती थी और कोई फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप नहीं होती थी। तो तब क्या होता था, एक ही रूफ़ के अंदर यानी कि एक ही छत के नीचे सारा काम नहीं होता था। आजकल क्या होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहीं पर सारा काम होता है एंड लास्ट में जो मटेरियल है, जो फाइनल गुड है, वो बन के ही निकलती है। यहाँ पे इस टाइम में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो वक्त था, यहाँ पे ऐसा होता था कि कहीं से एक कोई ट्रेडर होगा जो कि कहीं से एक फर्स्ट स्टेप जो है प्रोडक्शन का वो कहीं और से कराएगा, फिर सेकंड स्टेप कहीं और से, फिर थर्ड स्टेप कहीं और से एंड फिर उसके बाद जाकर वो गुड जो है वो प्रोड्यूस होती थी, फाइनल गुड बनती थी। तो ये होता था कि सारे वर्कर अपनी अपनी जगह पर ही बैठ के काम कर रहे हैं, एक ट्रेडर है जो उनको उनसे मटेरियल उनको प्रोवाइड भी करता है और उनसे लेकर भी जाता है। ओके, तो ये तरीका है, इसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये एक स्टेज रही है, काफ़ी टाइम तक ये चलती रही थी एंड विलेजेस में जा जाकर जो ट्रेडर्स होते थे वो उनको कपड़ा देकर भी आते थे वीवर्स को एंड उनसे काम करवा के फिर उसको गुड को लेके भी जाते थे। तो इस तरीके से ही प्रोडक्शन हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज़। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये हुई कि जो कॉलोनीज़ हैं वो पिक्चर में आई। और कॉलोनीज़ क्या कर रही थी, कॉलोनीज़ बहुत बड़ा भंडार थी रॉ मटेरियल का। तो कॉलोनीज़ का जब एक्विजिशन हुआ यानी कि जब कॉलोनीज़ को ये लोग कंट्रोल करने लगे यूरोपियन लोग, तो ट्रेड एक्सपैंड हुआ इन द 16th and 17th century। तो इस टाइम से ट्रेड जो है एक्सपैंड होना शुरू हो गया एंड जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनाइज़र हैं यानी कि जो यूके है, फ्रांस है, ओके, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वो लोग जो कॉलोनीज़ हैं यानी कि इंडिया से कुछ मंगवा लिया, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसकी डिमांड बढ़ने लगी। और फिर उसके बाद ट्रेड गिल्ड्स। ट्रेड गिल्ड्स क्या होती हैं, ट्रेड गिल्ड्स एक ऐसी एसोसिएशन होती हैं प्रोड्यूसर्स की और ट्रेंड क्राफ्ट्समैन की एंड आर्टिजान्स वगैरह होते हैं ये लोग। मतलब ये एक ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेक्सटाइल में एक अलग से ट्रेड गिल्ड्स होंगे, फूड प्रोसेसिंग में अलग से ट्रेड गिल्ड्स होंगे। तो ये लोग करते क्या हैं, ये किसी आउटसाइडर को आने की जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस ट्रेड में जो जुटा हुआ नहीं है और उसको उस ट्रेड में आना है, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घुसना है, तो वो ट्रेड गिल्ड्स जो है उसको रोकेंगी और उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगी ताकि वो उनसे कम्पीट ना करे। और कॉम्पिटिशन जो है उसको एलिमिनेट करने का काम करती हैं हमारी ट्रेड मिल्स। वो एसोसिएशन होती हैं प्रोड्यूसर्स की और ट्रेंड क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स, जो भी लोग जुड़े होते हैं सारे स्टेप्स में इन द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन। और एक क्लोज रिलेशनशिप था बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड, बिटवीन फार्मर एंड मर्चेंट्स। तो ये जो पुराना टाइम है ना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इस टाइम पे बहुत ही क्लोज रिलेशन होता था फार्मर और मर्चेंट के बीच, क्योंकि फार्मर जो था उसके वहाँ पे रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल के साथ ही साथ गांव में ही कहीं पे जो लोग हैं वो लोग उसको प्रोसेस भी कर रहे होते थे। मतलब जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन को जो स्पिनिंग जेनी होती है, स्पिनिंग जेनी या फिर चरखा वगैरह, जिस भी तरीके से उसके फाइबर बना के या उसके धागे पतले पतले थ्रेड बना के, यार्न बना के जो है लोग रखते थे एंड फिर उसको बेचते थे। तो इस तरीके से जो फार्मर है और जो साथ साथ बिजनेसमैन है, इनकी काफ़ी एक इंटरडिपेंडेंस बन गई। और मर्चेंट क्या करता था, उन लोगों से वो जो प्रोडक्ट है उनका खरीद लेता था। तो इस तरीके का इनका रिलेशन था। एंड फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सबसे पहली जो फैक्ट्रीज़ हैं, वन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज़ इन इंग्लैंड, वो हुई थी 1730s में फैक्ट्रीज़ आना शुरू हो गई थी इंग्लैंड में। एंड और प्रोडक्शन के जो तरीके हैं इसमें बदलाव आए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे थे। और एक कॉटन मिल नाम की चीज़ बनाई थी 18th century में रिचर्ड आर्कराइट ने, जिससे कि काफ़ी रेवोल्यूशन आया था। और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर हैं जिन्होंने ये प्रोडक्शन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया एंड इसमें बहुत से बदलाव लाए। कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने लगी, यानी कि आयरन एंड स्टील। तो कॉटन, आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बढ़ने लगी। और 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ इम्पोर्ट जो है उससे, ओके, तो 2.5 मिलियन इम्पोर्ट हुआ करता था 1760 में और अब 22 मिलियन पाउंड होने लगा है 1787।
जो तो जो ये कॉटन है इसको ये लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि दूसरे देशों से मंगवाते हैं। और 1873 में आयरन और स्टील का ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, जो कि 77 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ गया था। और स्मॉल एंड ऑर्डिनरी इन्वेंशंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कि वो लोग जो फूड प्रोसेसिंग है और पोटरी है, ग्लास वर्क है, टैनिंग है और बिल्डिंग है, इन सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। एंड जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो स्लो थे और एक्सपेंसिव थे, क्योंकि अभी शुरुआत शुरुआत में जो भी चीज़ आती है उसको लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो बदलाव है उसको लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लें एंड फिर सब लोग उससे उसके साथ ही जीने लगे। जो लोग हैं वो मशीन वगैरह को देखकर शुरुआत में काफ़ी वो हुए थे कि ये जो चीज़ है ये फ़ायदा नहीं करवा सकती। एंड जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उन्होंने भी मशीन्स को इतनी जल्दी नहीं खरीदा, ओके तो उन्होंने भी इतनी जल्दी मशीन पे विश्वास नहीं किया। और जो लेबर्स थे, लेबर्स को मशीन से काफ़ी दिक्कत थी क्योंकि मशीन उनकी जॉब्स वगैरह ले जा रही थी, ओके तो इसीलिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो होते थे, ट्रेडिशनली जो लोग कलाकार होते थे और जो इस जॉब में जुड़े हुए होते थे, उनकी ही इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रही इस टाइम तक भी। मूविंग ऑन, अब मशीन्स का क्या रोल रहा है, मशीन्स के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, हमें वो देखना है पहले। तो मशीन्स जो है ये लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कि इसमें एक ही बार में पैसा बहुत लग जाता है। सेकंड चीज़ ये है मशीन की कि मशीन में अगर कुछ ख़राबी हो जाए तो उस टाइम पे इन्वेंशन तो कर दी गई थी लेकिन रिपेयर करने वाली चीज़ जो है वो इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब रिपेयर करना नहीं आता था इतना ज़्यादा अच्छे से लोगों को, तो वो भी एक दिक्कत बन जाती। फिर उसके बाद ये है कि जो सीजनल काम होते हैं, मान लीजिए कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही सीज़न में होती है, सो मान लीजिए कोई वुलन की इंडस्ट्री है, तो वुलन की इंडस्ट्री तो सिर्फ ठंड में ही चलेगी एंड समर्स में उसका कोई काम नहीं रहेगा, ऐसे कई कई फसलें भी होती हैं, कई कई क्रॉप्स भी ऐसे होते हैं जिनकी जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ वो एक ही मौसम में उगते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती। तो उन्होंने फिर ये भी बोला कि जो सीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि शिप रिपेयर है, बुक बाइंडिंग है एंड गैस वर्क है, ब्रूरीज है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मशीन पे डिपेंड नहीं कर सकती। एक सीज़न के लिए क्या आप पूरी मशीन लोगे या फिर सस्ता लेबर ले लोगे, ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। तो वही है कि एक सीज़न के लिए कोई भी मशीन लेना नहीं चाहता था। नेक्स्ट चीज़ ये है मशीन की कि मशीन में लिमिटेड चीज़ें ही बन सकती हैं। सो लिमिटेड चीज़ें जैसे कि यूनिफॉर्म्स वगैरह और प्रोडक्ट्स जिसमें मास प्रोडक्शन हो, मतलब जो सेम ही तरीके की चीज़ हो और बस कॉपी पेस्ट करना हो, वही चीज़ मशीन कर पाती थी। क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये पुराने टाइम की मशीन है, ये कोई आज के वक्त की मशीन नहीं है। तो पुराने टाइम की मशीन है इसलिए ये जो है एक ही जैसा काम कर पाती थी बार बार, मास प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता था, तो इसलिए भी मशीन जो है थोड़ी इसकी ये एक डिसएडवांटेज रही है। लेबर जो है यहाँ पे, अब इंग्लैंड में उस टाइम पे 19th सेंचुरी में लेबर बहुत सस्ता था और कोई शॉर्टेज नहीं थी लेबर की, बहुत लोग थे तो वेजेस बहुत कम थी और बहुत ही सस्ता तरीका था कि लेबर्स को हायर कर लो एंड उनसे काम करवा लो। पैसा भी वो लोग ज़्यादा, मतलब पैसे जो मार्केट में उनकी वेज होती थी, यानी कि मार्केट में जो लेबर की एक सैलरी उन्होंने तय करी थी, वो भी वेजेस जो हैं वो भी बहुत कम थी। ह्यूमन लेबर जो थे वो चीपर भी थे, उनको ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता था और वो लोग डिपेंडेबल भी थे, मतलब उन पर विश्वास भी किया जा सकता था कि इनको जो हम काम देंगे वो सही से हो भी जाएगा। और जो हैंड लेबर है वो बहुत इजीली मिल भी जाती थी सीज़न सीज़न के वर्क के लिए, तो ये अच्छा होता था कि सीज़न में आप लोग लेबर्स को हायर करो, उसके बाद जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो वो लोग, उनको भी पता चल जाएगा कि अब इस फैक्ट्री में कोई काम बचा नहीं है तो अब हम गांव चले जाते हैं या फिर कुछ और काम कर लेते हैं। इस तरीके से ह्यूमन लेबर जो है, ह्यूमन लेबर अभी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यह है कि हैंडमेड गुड जो है वो अमीर लोग जो हैं हैंडमेड गुड ही अच्छी समझते थे और उनको फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुई गुड्स अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए भी लेबर्स जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंस बनी रही। क्योंकि अपर क्लास और रिच लोग जो हैं वो समझते थे कि अगर कोई चीज़ हमने हैंडमेड पहनी है तो वो क्लास और रिफाइनमेंट को शो करती है। इसके कारण क्या हुआ, अब ये जो मशीन और लेबर के बीच का टसल है, यानी कि इनके बीच की जो झड़प है, इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुई टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच, विच लेड टू हॉस्टिलिटीज़ ऑफ वर्कर एंड जो मशीन है उनको टारगेट बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा मशीन्स को नुकसान भी पहुँचाते थे वो लेबरर्स, क्योंकि अब लेबरर्स के लिए दिक्कत ये है कि उनकी जॉब्स अब नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड में वेजेस वगैरह कम होती थी और गरीबी भी होती थी,
तो वो गरीबी में वो लोग परेशान होते रहते थे और उनको जॉब्स भी नहीं मिलती थी, और अब मशीन्स ने आकर और भी इनका जो है इनके पेट पे लात मार दी है। तो इसके कारण से इन्होंने मशीन्स को अटैक किया और एक स्पिनिंग जेनी जो है उसका इन्वेंशन हुआ, जो कि कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होगी। उसके इन्वेंशन जो करता है वो है जेम्स मैकग्रीव, एंड 1764 में इसको उन्होंने इन्वेंट किया, जिसने कि लेबर की डिमांड को बहुत ही कम कर दिया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े टाइम में और हमने देखा कि 1840s तक आते आते लाइफ जो है थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। बिल्डिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है, टनल्स बनने लगे हैं, रेलवे बनने लगे, सीवर बनने लगे, रोड कंस्ट्रक्शन होने लगा। ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में हो रही हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हो रही हैं। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और जो लेबर है वो डबल हो गई, एंड लेबर को अब जॉब भी मिलने लगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें तो बहुत लेबर चाहिए होता है। ओके, टनल बनाने में, रेलवे बनाने में, सीवर बनाने में, रोड बनाने में, ये हर एक चीज़ में लेबर चाहिए होता है। तो इसलिए लेबर्स के लिए भी अच्छा टाइम धीरे धीरे आ ही रहा था। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि इंडिया में क्या हाल था। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। सो गाइज, इंडिया जो है, इंडिया ने ब्रिटिश रूल के अंडर ही अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की, क्योंकि जैसे ही इंडिया में मॉडर्न टाइम आया उस वक्त ब्रिटिश लोग इंडिया में थे ही। तो हम ऐसा हमारी जो शुरुआत ही हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो ब्रिटिशर्स के साथ हुई। एंड जो प्री इंडस्ट्रियल यानी कि प्री कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले वाली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी कंट्री में, वो बहुत ट्रेडिशनल और स्लो हुआ करती थी। सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल जो हैं वो ट्रेडिशनल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स थे। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज रहे थे वो हमारी कंट्री से सिल्क एंड कॉटन। हमारे यहाँ का कॉटन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हमारे यहाँ से कॉटन और सिल्क जाता था अफगानिस्तान में, पर्सिया में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, फ्रॉम सूरत इन गुजरात, तो एंड मोस्टली पट्टनम। और तो सूरत क्या है, एक पोर्ट है, सूरत एक बंदरगाह है, और यहाँ से शिप्स में भर के यह सामान जो है सिल्क और कॉटन जाता होगा कहाँ पे, अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। और मोसलीपट्टनम भी एक पोर्ट है, और ये लोकेटेड है जो चेन्नई वाली साइड है, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारी वहाँ पे। ओके, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, एंड हुगली जो है बंगाल में, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया जाता था, वहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया में। एंड जो मर्चेंट हैं, बैंकर हैं, वो इसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि ये नेटवर्क जो था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का था, तो इसमें बहुत से मिडिलमैन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो बैंकर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं, और ये सब काम, बैंकर्स एंड मर्चेंट्स जो हैं, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जुड़े हुए थे। और जो यूरोपियन हैं, यूरोपियंस ने यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि ये लोग यहाँ पे पावरफुल स्टेज पे पहुँचे हुए थे। ओके, तो धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ रही थी, तो जिसके कारण ये लोग मोनोपोली यानी कि अपनी ही एक तरीके की हेजेमनी बना के बैठे थे, कि यहाँ पे हम ही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। इस तरीके की इन्होंने मोनोपोली बना रखी थी। एंड 18 सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी में इन्होंने मोनोपोली बिल्कुल ही ऐसे बनाई हुई थी, यूरोपियन जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं। तो ये मोनोपोली होती कैसे थी, कैसे ये मोनोपोली जो है वो लगाई जाती थी, वो लगाई जाती थी रूलर्स वगैरह से बात करके, और मोनोपोली राइट्स वगैरह से। एंड और ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर ये लोग वॉर वगैरह भी कर लेते थे। ओके, तो ये बैटल्स वगैरह लड़ते आए हैं हमारे साथ भी, और फ्रेंच के साथ, डेनिश के साथ, मतलब जो भी यूरोपियन पावर इनसे टकराएगी, या फिर अगर कोई इंडियन रूलर भी इनसे टकराएगा, तो ये लोग उनसे ये लोग बैटल भी कर लेते थे। एंड इस तरीके से अपनी पावर के दम पर ये लोग मोनोपोली बनाकर बैठे थे, कहाँ पे, ट्रेड में भी। वीवर्स जो हैं, वीवर्स के साथ इसमें, ओके सो वेट अ मिनट, हमने कुछ पॉइंट स्किप कर दिए। तो जो पहले पोर्ट्स होते थे, सूरत जो है ये पुराना पोर्ट है और ये बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब से फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास आ गए, तो ये जो सूरत है, मौसलीपट्टनम है, हुगली है, ये सारी चीज़ें जो है ये पीछे छूट गई, एंड नए पोर्ट्स जो है वो फेमस हो गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी यहीं से इनको अपने प्रोविंसेस बनाकर यहीं पर ज़्यादा ट्रेड वगैरह होने देते थे। सो हिस्ट्री में हमने देखा है कि कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, और बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी वगैरह लड़ी गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इन्होंने जब वॉर वगैरह लड़ ली, जब इनका कॉन्क्वेस्ट ही हो गया, यानी कि हमने बैटल ही लड़ ली है, तो उनकी पावर एस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये लोग क्या है, 1760s और 1770s तक आते आते ये लोग अच्छा खासा कंट्रोल करके बैठे थे सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीवर जो है, वीवर्स जो कि घर पे बुनते थे, बुनकर वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान हुए, क्योंकि उनको जो है कंपनी के लिए ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, और वो कुछ खास पैसा भी नहीं उनको मिलता था। ओके, ये चीज़ जो है सबसे बुरी थी।
एंड एजेंट्स उन्होंने रखे हुए थे अपना जो माल है उसको कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी वो लोग कपड़े वगैरह बना बुन कर दे रहे हैं वो उनको गुमस्थास को देना होता था, एंड वो लोग फिर आगे जाके अपने जो ब्रिटिश मास्टर हैं उनको ये लोग देते होंगे। एंड फिर 1770s में इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से ही कंट्रोल करने लगी पूरे ट्रेड को, और कंपटीशन को एलिमिनेट करने लगी, और वीवर्स को किसी और बायर से बात नहीं करने देते थे, और उससे अगर उनको पता चलता था कि वीवर जो है किसी और बायर से बात कर रहा है तो उनको पनिश होती थी, और उनको अगर उन्होंने देरी कर दी तो भी उनको पनिश किया जाता था। तो इस तरीके से एक तरीके से ये स्लेवरी है, गुलामी करा रहे हैं उनसे, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं और क्योंकि उन्होंने जंग वगैरह जीत रखी है और अभी उनकी जो पावर है वो इस्टेब्लिश ही होती जा रही है और धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। ओके, तो कोई इनसे टकराने वाला नहीं है, कोई इनसे बुनकरों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग एक्सप्लॉयटेशन पे एक्सप्लॉयटेशन करते ही जा रहे हैं। तो ये लोग बहुत सीवियरली पनिश करते थे उन व्यूवर्स को जो कि लेट करते थे काम एंड जो किसी और बायर से बात करते थे। एंड इसके कारण अब क्या हो रहा था, वीवर्स जो हैं बंगाल में वो लोग अपना काम छोड़ के जा रहे थे, और जो कर्नाटक है कर्नाटक में ज़बरदस्ती खेती वगैरह कराते थे ये लोग ब्रिटिश लोग, तो वहाँ से कर्नाटक से जो किसान हैं वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे और किसी और जगह में जाके बस रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गुलामी झेल रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे काम कराया जा रहा था ज़बरदस्ती, और ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। मैनचेस्टर जो है, सो इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन कॉटन, तो इंडिया की जो कॉटन है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग रही थी, उससे भी ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था। एंड फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की गुड्स हैं वो इंडिया में बेची जाती थी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे सारी मार्केट को वो लोग ही फ़ायदा वहाँ से उठा रहे थे। एंड इसके कारण क्या हुआ, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है मतलब इंडिया में जो बनी हुई चीज़ें हैं वो बिकनी कम हो गई बाहर। ओके, तो इंडिया की जो गुड पीस है मतलब इंडिया में जो प्रोड्यूस करी जा रहे हैं कपड़े वो बाहर बिकना कम हो गए, तो इंडिया को ओवरऑल इसमें नुकसान ही हुआ है। तो एक तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग रही हैं वो, दूसरा ये कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया में बेची जा रही हैं तो हमारी मार्केट कम हो रही है, मतलब इंडियन गुड्स के लिए कोई मार्केट ही नहीं है। और फिर उसके बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑफ कॉटन पीस गुड्स वो भी डिक्लाइन हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है फेल फ्रॉम 33% to 3% इन 1850, तो 1811 से 1850 में 33 से 3% तक का चेंज आ गया, जबकि जो इम्पोर्ट है यानी कि जो बाहर से ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ रही हैं वो 31 से 50% हो गई इन 1870s, तो 20 सालों में 50% तक वो बढ़ गया। और जब इंडियन फैक्ट्रीज ने कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करना चाहा तो वीवर्स जो हैं जो बुनकर हैं उनके लिए और ये दिक्कत हो गई, क्योंकि वो लोग तो पहले ही जो प्राइस राइज है यानी कि महंगाई है उसको उससे परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो कॉटन है वो महंगी हो रही है अमेरिकन वॉर की वजह से, एंड ओवरऑल जो है वीवर्स के लिए फिर से एक मुश्किल जो दिक्कत है वो आ गई है। सो ये इन्होंने मर्चेंट्स का दिखाया कि मर्चेंट जो है सबसे पहले तो वुल खरीदता है फ्रॉम स्टेपलर एंड द पर्सन हु सॉर्ट्स आउट, जो जो एक एक टाइप का ये काम होता है कि जो वुल है यानी कि जो वुल में जितने भी ओवरऑल उसको कोम कर करके साफ़ करना और उसको एक अच्छा सा फ्लफी बना देना, और ये जो काम करने वाला होता है वो उसको हम स्टेपलर कहते हैं, और वहाँ से ये वुल खरीदता था। उसके बाद उसको स्पिनर के पास ले जाता था कि उसके वो धागे बना दे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीवर के पास या फुलर के पास जो इसके कपड़े वगैरह बना देगा। इस तरीके से मर्चेंट का काम होता था। यहाँ पे इन्होंने ईयर्स बताए हैं, 1840 में कॉटन वगैरह एक्सपेंड हुई, 1840s में फिर रेलवे बढ़ी, फिर 1860s में रेलवे एंड कॉलोनी रेलवे जो है कॉलोनीज़ में भी आ गई, और हमारे यहाँ पे रेलवे आई थी 1853 में। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ केम फैक्ट्रीज़ केम अप, तो इंडिया में भी फैक्ट्रीज बनने लगी, तो इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया के भी अलग अलग हिस्सों में बनने लगी, और ज़्यादातर जो इंटरप्रनोर्स हैं यानी कि जो बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्टर्स थे पहले, इन्वेस्टर्स का काम से उन्होंने शुरुआत करी, वो चाइना बर्मा मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में इन्वेस्ट करते थे और वहाँ से कुछ फ़ायदा होता था तो उस तरीके से अपना काम करते थे, फिर वो धीरे धीरे फैक्ट्री सेटअप करेंगे। प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो है द्वारका नाथ टैगोर, और बॉम्बे ये बंगाल के हैं, और बॉम्बे में हैं दिनशा पेटीट एंड जमशेद नसर वंजी टाटा, एंड कलकत्ता में हैं सेठ हुकमचंद, एंड उसके बाद है जी डी बिरला एंड उनके फादर एंड ग्रैंड फादर। तो ये लोग जो हैं ये प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर थे। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं,
1854 में पहली कॉटन मिल लगी बॉम्बे में, 1855 में पहली जूट मिल लगी बंगाल में, 1860 में अलगिन मिल स्टार्ट हुई कानपुर में, एंड 1861 में कॉटन मिल इन अहमदाबाद, एंड फोर कॉटन मिल स्टार्ट हुई 1862 में इन बंगाल, एंड 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल हुई मद्रास में शुरू, एंड 1917 में पहली जूट मिल कलकत्ता में शुरू हुई। यूरोपियन जो हैं वो बहुत ही बड़े इंडिया की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे, उनके बड़े बड़े सेक्शंस को यूरोपियंस ही कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि बर्ड, हिगलर एंड को। तो ये वाली जो कंपनीज़ हैं, जार्डिन स्किनर एंड एंड्रू यूल, ये लोग इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को भी कंट्रोल कर रहे थे, और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 5 लाख से ये 24 लाख तक हो गया इन 1946। उसके बाद अब जो वर्कर हैं वो कहाँ से आते थे, वर्कर आते थे जो भी साइड साइड के एरियाज़ होते थे। तो जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे में कुछ हो रहा है, तो रत्नागिरी से लोग आएंगे लेबरर्स के रूप में कॉटन इंडस्ट्री में काम करने के लिए, पीजेंट आएंगे कानपुर से, अगर कानपुर में कोई इंडस्ट्री लग रही है कानपुर के मिल्स में काम करने के लिए। इसी तरीके से यूपी से भी माइग्रेंट आते थे बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए, या फिर कलकत्ता भी जाया करते थे। और जॉबर्स एक नई जॉब बन गई, जॉबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं शहरों, वो लोग क्या करते हैं शहरों में जो ज़रूरत होती है लेबर की उसको पूरा करने के लिए वो गांव में जाते हैं और लेबरर्स को कलेक्ट करके लाते हैं। तो इस तरीके से इनका काम जो है वो लेबर्स को मोबिलाइज़ करने का है, एंड इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि कमीशन्स वगैरह होने लगे, फिर सर्विसेज लाइक हाउसिंग एंड रेंटिंग। तो ये लोग लेबरर्स को घर वगैरह प्रोवाइड कर देते थे और ये कहते थे कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, तो वो सारी जो हेल्प है उसके कारण इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ने लगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गए जॉबर्स। उसके बाद है पिक्यूलियरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इंडिया में, वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के द्वारा ही कंट्रोल करी जा रही थी, उसको डोमिनेट किया जा रहा था, और वो आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोड्यूस करते थे। जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे वो एक्सपोर्ट के लिए होता था ताकि वहाँ से कुछ फ़ायदा आ सके, और वो लोग इंडिया में उसको बेचते नहीं थे। सो इंडिया की ही चीज़ें हैं, इंडिया में फैक्ट्री लग रही है लेकिन वो उसको बेचेंगे हम कहीं और, तो उसके कारण जो है वो इंडिया में उसको नहीं बेचते थे। और टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, माइनिंग जो है ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से वो लोग प्रोडक्ट ले जाते थे एंड फिर उसको बाहर कहीं बेचते थे। एंड कंपटीशन को कम करने के लिए वो लोग इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ यान बनाया जाता था ना कि टेक्सटाइल। तो क्योंकि मैनचेस्टर जो है उसको ग्रो होना था, उसको ग्रो करने के लिए हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल बनाना जो है, कपड़े बनाना, उसको बंद करा गया था, एंड इंडिया में सिर्फ यान प्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि जो धागे हैं वो बनाए जाते थे ताकि उसके बाद जो फाइनल गुड है वो मैनचेस्टर में बने और उससे कोई कंपटीशन ना करे। तो इन द लेट 19th सेंचुरी ये सब चीज़ें होती थी। फिर स्वदेशी वाले जो एक्टिविस्ट आए, जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें नेशनल मूवमेंट में ये कहा गया कि हमें फॉरेन गुड्स को अवॉइड करना है और उनको अबॉलिश करना है, बिल्कुल उसे बंद करना है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके कारण जो है इंडिया की फैक्ट्रीज बहुत उसमें आगे बढ़ी, और इंडिया की फैक्ट्रीज़ को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया ताकि वो गुड्स वगैरह वहाँ से खरीद पाएँ। तो उस टाइम पे क्या है, ब्रिटेन में तो बहुत बहुत कुछ चल रहा था, एमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी, इसीलिए इंडिया में फैक्ट्रीज़ जो है वो उनका जो काम है वो आगे बढ़ने लगा और वो लोग थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगे। तो इंडिया की फैक्ट्रीज़ ने जंग के टाइम पे, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, उन्होंने जूट बैग, यूनिफॉर्म, लेदर बूट, हॉर्स, मूल सैडल्स, यानी कि जो घोड़े की जो नाल होती है, वो सारी चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करने लगे। एंड जब वॉर ख़त्म हुई तो उनकी इकोनॉमिक जो, ये ब्रिटिश लोग बहुत ही इकोनॉमी में अच्छा कर रहे थे, वो चीज़ कम हो गई, और जापान एंड जर्मनी जैसी जो चीज़ें हैं, जापान और जर्मनी की टेक्नोलॉजी आगे हो गई, तो वो लोग अब जो जापान है वो इनसे बेहतर कर रहा है और जर्मनी भी इनसे बेहतर कर रही है। तो अब जो ब्रिटिश हैं उनकी थोड़ी इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो कम हुई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी कलकत्ता में एंड बॉम्बे में, एंड इन 1911 67% ऑफ दम वेर इन टू सिटीज़। तो 67% जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे कलकत्ता और बॉम्बे में ही थी 1911 तक, उसके बाद फिर वो कहीं और भी एक्सपेंड हुई होंगी। उसके बाद है मार्केट फॉर गुड्स। तो एक सिग्निफिकेंट फीचर रहा है 19th सेंचुरी का कि इनकी जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को
कंट्रोल करना चाह रहे थे. ओके, वॉज द अटेम्प्ट टू बी डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन, या फिर यूरोपियन कह सकते हैं या फिर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स. इंडियन वीवर, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर, इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करी कि हमें टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब कि आप भी उन पर टैक्स वगैरह लगा दो ताकि हमारे यहाँ पे वो लोग मार्केट में घुस ही ना सकें और मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ना बेच पाएँ ताकि हमें फ़ायदा हो. और ग्रांट्स वगैरह वो लोग चाहते थे कि कुछ कुछ कंसेशन मिल जाए ताकि हमारे यहाँ पे भी मार्केट अच्छी चले. एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई. आप अपनी बुक में देखोगे बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स हैं और उसके कारण जो है इन सेल को बढ़ाने के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करने लगे और जो कंज्यूमर है उसके विश्वास जीतने लगी. और मैनचेस्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके कपड़ों पे बड़ा बड़ा लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, जो कि इंडिया में बिकने आते थे कपड़े उस पर भी बहुत बड़ा बड़ा मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था. एंड इंडियन रिटेलर्स होते थे जो इंडिया के लोगों की इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी और फैक्ट्रीज होती थी, वो लोग क्या करते थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो एम्परर्स वगैरह होते थे, नवाब्स होते थे, गॉड एंड गॉडेसेस होते थे, इनके कैलेंडर्स वगैरह भी बनाते थे ताकि उनकी सेल बढ़ पाए. ओके, एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल एंड स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है अपनी जो जनरल वगैरह होते हैं यानी कि मैगजीन्स और पेपर्स, इन सारी चीज़ों का, और अच्छे से अपनी जो भी उनकी मन में चीज़ें थी और मन में जो भी उनके ख्याल थे कि हमें फॉरेन गुड्स को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें बायकॉट करना है, हमें बिल्कुल ही उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे. ओके, स्वदेशी मूवमेंट हमें चलाना है तो इंडिया से ही सारी चीज़ें बनेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एडवर्टीज़मेंट के तरीके से यूज़ होने लगी. सो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड मैंने आपकी हेल्प करी होगी इस चैप्टर को थोड़ा आसान बनाने में. एंड ये जो चैप्टर है इसमें हमने देखा कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में कैसे हुआ, फिर उसके बाद इंडिया जो कि इंग्लैंड की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक कॉलोनी रही है वहाँ पे किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सी यू एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो.